तो पावर बीआई की हमारी इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि पावर बीआई में डेटा कैसे लोड करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में हमने डेटा बताया आपको कि हम किस तरीके से एक्सेल से करते हैं, किस तरह से पीडीएफ से करते हैं, राइट जी सर। अब हम बात कर रहे हैं कि नोटपैड से डेटा कैसे लाएंगे, नोटपैड या सीएसवी फाइल। तो यहाँ इस पर टेक्स्ट और स्लैश सीएसवी इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेटा है वो सेपरेटेड किससे है। देखिए सीएसवी फाइल जो होती है, नोटपैड फाइल डेटा जो होता है वो कई तरह से, दो तरह से होता है, पहला आपका कॉमा सेपरेटेड, दूसरा टैब सेपरेटेड। तो इसमें हमने जब अपने डीटी को सिलेक्ट करके जैसे ही ओपन कर रहा हूं तो यहां आप देखेंगे अभी आएगा, ये देखिए टैब सेपरेटर है, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप है सेपरेटर है वो टैब है। ओके ठीक है, ओके सर। तो ये टैब सेपरेटर है और इसको फिर आपने देख लिया सही है, लोड कर दीजिए, आपका नोटपैड से डेटा लोड हो जाएगा। सीएसवी फाइल से डेटा आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया, समझे? ओके। तो नोटपैड से सीएसवी फाइल से डेटा लोड करें, पर ध्यान रखिएगा कि उसके सेपरेटर क्या होना चाहिए, और हाँ डेटा फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर हेडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे नोटपैड से डेटा क्यों होता है। देखिए शुरुआती दौर में हम बात करें 2003 जब यूज करते थे उस समय जो लार्ज डेटा हुआ करता था वो एक्सेल पे नहीं होता था, क्योंकि एक्सेल पे तो हमारा 65,000 का ही हमारा स्पेस था ना। तो वहां उस समय के बने हुए सॉफ्टवेयर जो डेटा को नोटपैड की फाइल में हमें वापस करते थे, समझ गए? क्योंकि नोटपैड की फाइल में डेटा डालने से एक तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होते हैं, दूसरा इसकी साइज बड़ी कम होती थी, क्योंकि शुरुआत में हम जो मेल करते थे जीमेल से हो चाहे आपका आउटलुक से हो, जब मेल करते थे तो उसकी मेल की जो मैक्सिमम साइज थी 2 MB की थी। लेकिन एक्सेल फाइल में जो डेटा हम ज्यादा डालते थे तो 2 MB की फाइल नहीं, वो बहुत बड़ी फाइल बना देता था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि मेरे पास एक फोल्डर में डेटा है, अब वो डेटा काफी बड़ा है, मैंने कई सारे फाइल्स में है, 6 फाइलों में डेटा है, दिख रहा है सर? जी सर। अब मुझे इस पे रिपोर्ट तैयार करनी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक ही डेटा चाहिए इसमें, 6 अलग अलग सिटी से डेटा आया है, लेकिन आपको रिपोर्ट बनाना है इंडिया लेवल पे बनाना है, तो पहले आपको एक फाइल बनाना होगा, इस फाइल में 6 डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि 6 डेटा 6 अलग अलग सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है और हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो उस केस में आपको हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा फाइल एक बार में क्लेट होके मेरे पावर बीआई से लिंक हो जाए, ठीक है? ओके। तो उसके लिए आपको यहाँ मोर रूल्स में आइए, फ्रॉम फाइल में ही फ्रॉम फोल्डर दिखा था, ये भी आ रहा है इसमें, फ्रॉम फाइल में यहाँ देखिए फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट करके आप कनेक्ट कीजिए। उसके बाद फोल्डर को सिलेक्ट करने के बोलेगा, तो अपने लोकेशन में जाइए और अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा फोल्डर में और भी कोई और फालतू फाइल नहीं होना चाहिए, जैसे आपने देखा था नोटपैड की फाइल थी तो मैंने उसको हटा दिया था जी, जी। तो कोई और फालतू फाइल नहीं होनी चाहिए फोल्डर में। हाँ अब यहाँ पे ओके कीजिए, ओके करते ही पूरी की पूरी फाइल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि फाइल क्या है, क्या एक्सटेंशन कितनी है, कब बना था, क्या हुआ था, कितना रिकॉर्ड है, कहाँ पे स्टोर है, पूरा फोल्डर इंफॉर्मेशन आपको आ गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म डेटा समझते हैं चला जाएगा कहाँ पे, पावर क्यूरी में, हाँ एडिट करने के लिए। लोड पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लोड हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा, लेकिन लोड क्या होगा जो सामने दिख रहा है, लेकिन इसको लोड करके हमें क्या फायदा,
हमें तो इसके अंदर के डेटा चाहिए ना। जी तो बिल्कुल। यहाँ कंबाइन या कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म या कंबाइन और डेटा, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, पावर क्यूरी पे। तो कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि पावर क्यूरी में जाना नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पहली फाइल का व्यू दिख जाएगा, दिख गया डेटा का, और यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा, अगर ऐसा हो सकता है कि किसी फील्ड में कॉलम ज्यादा होगा, किसी फील्ड में कॉलम कम होगा, हो सकता है। तो आप पहले देख लेंगे किस फाइल के अंदर में कॉलम पूरा है और सारे की कॉलम हेडिंग सेम होनी चाहिए। मिसिंग होगा चलेगा, पर नेम अलग अलग होगा तो अलग कॉलम बना देगा। फिर जैन है, किसी में जनवरी है तो जैन का अलग कॉलम बनाएगा, जनवरी का अलग कॉलम बनाएगा। अरे इसका ध्यान रखना है सर। हाँ, इसको देखना सेम होना चाहिए। उसको सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे कर दीजिए ओके। यहाँ पे स्किप फाइल एरर, जब कोई फाइल ऐसा है कि जो फिट नहीं बैठ रहा है, उसमें दिक्कत है ज्यादा, तो उसको स्किप कर देगा अगर आप इस पर क्लिक कर दिए तो। देन अब देखिए इसने डेटा नाम जो दिया हमें, अगर डेटा डेटा पे जाके डेटा को देखते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल कंबाइन हो गया सर। जी सर। और ये अपडेट भी होता है, जैसे कि 17 है, अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो 17 को अपडेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर सर। तो आप नोटपैड से डेटा कैसे लोड करोगे ये समझ में आ गया? जी सर। आप किसी से फोल्डर से, फोल्डर से डेटा कैसे लोड करोगे पता चल गया? ये भी से पता चल गया। ओके, अब अभी जो हमने सीख लिया, हमने बाकी चीज सीख लिया, अब बात है सिर्फ डेटाबेस से डेटा को कैसे लोड करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन करके फिर हम मंडे से जो है अपना डेटा विजुलाइजेशन चार्ट और बाकी चीजों पे वर्क करना शुरू कर देंगे, रिपोर्ट बनाना शुरू कर देंगे। जी जी सर। ठीक है, ओके सर। ओके।